और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका 34वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय उत्पत्ति उसका 34 और बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनना, और जितने लोग पढ़ते हैं वो जोरों से पढ़ना ताकि उसकी आवाज़ सभी लोगों को सुनाई दे, और इस तरह से पढ़ना कि सब समझ सके। उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय और हम पढ़ेंगे पहले पद से लेकर उसके 17 पद तक। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उससे कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरे पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता हमोर निकल कर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया, और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से नुक्ता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसीलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो, हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है इसमें रहकर लेन देन करो और इसके भूमि को अपने लिए ले लो। और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं दूंगा। तुम मुझसे जितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो पर मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। तब यह सोच कर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतरनाक रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इसमें इससे हमारी नाम धराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय से मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि आप वचन को ग्रहण कर सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चल सको। और शैतान जो है वो तो ध्यान भटकाने का प्रयत्न करता है, लेकिन आप अपने ध्यान को बनाए रखो, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करो और अपनी निगाहें जहाँ से परमेश्वर की आवाज़ आ रही वहाँ पर बनाए रखो, ताकि शत्रु शैतान की आवाज़ जो है वो आपके अंदर ना जाए और आप उसको ग्रहण कर उस वचन के अनुसार चल सको, क्योंकि हम मानेंगे तब जब हम सही से सुनेंगे। तो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सच्चे और जीवित परमेश्वर है, और उन्होंने आसमान को बनाया, उन्होंने इस धरती को बनाया, उन्होंने हमको बनाया, और पाप की वजह से जो इंसान की पहचान थी परमेश्वर के साथ वो पहचान चली गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते थे कि मेरे लोग मुझे जाने, मेरे लोग मुझसे पहचाने, और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर ने अब्राहम के जरिए लोगों को अपना नाम बताना चाहा। अब्राहम के बाद इसहाक हुए, इसहाक से याकूब हुए,
और याकूब का नाम परमेश्वर इज़राइल रख दिया। और फिर इज़राइल से 12 गोत्र मतलब कि 12 बच्चे जो है वो 12 बच्चे वो पैदा हुए। वो लोग बढ़ते गए और परमेश्वर ने भी इनको आशीष उनको दी। हमारे परमेश्वर इनके लिए लड़े, इज़राइल के लिए हमारे परमेश्वर लड़े। हमारे परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को एक वतन दिलाया, एक देश परमेश्वर ने उनको दिलाया। फिरौन नाम के शैतान से उनको आज़ाद करवाया और परमेश्वर ने उन्हें इज़राइल लोगों को बहुत कुछ दिया, क्योंकि परमेश्वर के ये लोग जो थे वो पसंद किए हुए लोग थे। प्रभु यीशु भी इंसान बनकर इज़राइल प्रजा में ही आए, उन्हीं में प्रभु यीशु आए, उन्हीं के बीच में प्रभु यीशु इस धरती पर आए। और ये सारी भविष्यवाणियां जो थी प्रभु यीशु के बारे में वहां हुई थी कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी जिसका नाम तू इम्मानुएल रखना। ये सब कुछ इज़राइल में हुआ था और प्रभु यीशु इज़राइल में ही इंसान बनकर वो वहां पर आए थे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो आसमान में एक सितारा भी दिखाई दिया था। आज भी जब दिसंबर महीना आता है तब मसीह को मानने वाले लोग अपने घर के बाहर एक सितारा लगा देते, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता। अगर जीबी वाले लाइन काट दे तो मागी लोग चौक जाएंगे, बोला हम जाएगा। और अगर गलती से आ गए तो ढूंढने लगेंगे, इतने सारे सितारे तो मैं किसके घर में जाऊं, सही में यहूदियों का राजा कहां पर आया हुआ है। लेकिन भविष्यवाणी हुई थी, सितारा दिखाई दिया था, मागी लोग ढूंढते ढूंढते सफर करने के बाद कहां पर आए थे। उन्होंने हेरोद से मिलकर ये भी कहा कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां पर है। ये सारी भविष्यवाणियां वहां पर हुई थी। और वही प्रभु यीशु ने इस धरती पर आने के बाद अपनी सेवा शुरू करने के बाद एक बार प्रभु यीशु ने एक बयान दिया और बयान बहुत ही जबरदस्त बयान। और हम बाइबल में उस बयान को पढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय मत्ती 16 और उसका 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, प्रभु ने ऐसा कहा पत्रस से कि पत्रस मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर मतलब तेरे नाम का मतलब होता है पत्थर, और मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा हालेलुया। बहुत ध्यान से शब्द को सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब का नाम इज़राइल रखा, उसके 12 गोत्र हुए, उनके लिए प्रभु यीशु लड़े, उनको फिरौन से आज़ाद करवाया, उनको कनान देश दिया, देश का नाम इज़राइल बन गया, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है वहाँ पर कई लोगों ने अटैक किया, प्रभु यीशु ने हर बार उनको बचाया, इनको बहुत आशीष दी, बहुत आय से आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब प्रभु इस धरती पर आए इंसान बनकर आए तब प्रभु ने एक बयान दिया और बयान ऐसा कहता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं मत्ती 16 का 18। प्रभु पत्रस से ऐसा कहते हैं कि पत्रस मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर मतलब तेरे नाम का अर्थ होता है पत्थर, और पत्रस में इस पत्थर पर मतलब तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यह है भविष्य वचन, यह है भविष्यवाणी। पत्रस तू पत्थर और पत्रस तेरे ऊपर, मैं तू पत्थर है तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, इसका मतलब कलीसिया नहीं थी, समझ में आ रहा ना, अभी तक कलीसिया नहीं थी। चाहे अब्राहम को चुने, इसहाक,
याकूब, बारह गोत्र इतने बड़े कि अगर कोई सितारे को गिन सके तो इज़राइल को गिन सके। फिर उनसे आज़ादी करवाया, उनके लिए परमेश्वर लड़े, वचन के देश में लेकर गए, वहाँ पर उनको स्थापित किया। लेकिन अभी तक परमेश्वर ने उनके पीछे में भी मंडली नहीं बनाई थी, या तो ये सारे जो इज़राइल लोग मिलकर भी परमेश्वर की मंडली नहीं थी, परमेश्वर की कलीसिया नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु अभी कहते हैं, तू पतरस है, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। एक बार फिर से पढ़ो, बहुत बढ़िया परमेश्वर का वचन। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर, प्रभु से ऐसा कहते, मैं इस पत्थर पर, अगर ये पद आप याद रखोगे, कभी किसी से मार नहीं खाओगे, बहुत ध्यान समझ रख। प्रभु ने ऐसा कहा, मैं इस पत्थर पर, मतलब पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये भविष्य वचन है। अब तक ये जब प्रभु यीशु बोले, तब तक इस धरती के ऊपर कहीं पर भी प्रभु यीशु की कलीसिया नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त तक प्रभु यीशु की कलीसिया नहीं थी। ये सही में कलीसिया है क्या? क्या है कलीसिया? और गिनती की किताब में ऐसा लिखा है, गिनती उसका 20वां अध्याय और उसका 10वां पद। और सब हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। बाइबल में ऐसा लिखा है, मूसा और हारून ने उस चट्टान के पास किसको इकट्ठा किया? मंडली को। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, मंडली को इकट्ठा किया। क्या शब्द लिखा है? मंडली। और प्रभु ने पत्रस से क्या कहा? इस पत्थर के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया। मेरी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया और मंडली, हम दोनों शब्द इस्तेमाल कर देते, लेकिन सही में दोनों शब्द में अंतर है। मंडली शब्द और कलीसिया शब्द, ये दोनों के जो अर्थ है वो अलग अलग है। मंडली का मतलब होता है कोई टोली, कोई झुंड। यहां पर जितने बैठे हैं हम उसको बोल सकते हैं मंडली है, कलीसिया नहीं। बहुत ध्यान समझ लग, कलीसिया अलग से, हम मंडली है लेकिन कलीसिया नहीं है। बहुत ध्यान समझ लग कि परमेश्वर आज हमें कुछ नई बातें जो है वो हमें सिखाने के लिए जाते। मंडली का मतलब होता है कोई झुंड, लेकिन कलीसिया का मतलब अलग से होता है, और कलीसिया का मतलब होता है चुने हुए लोग। मंडली मतलब झुंड और कलीसिया का मतलब चुने हुए लोग। क्योंकि पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 2वां अध्याय और उसका 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश, देखो परमेश्वर अपनी कलीसिया से ऐसा बोल रहे, पर तुम तो चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। वे पूरे इज़राइल को नहीं लिखा गया। इज़राइल के अंदर जो कलीसिया बनी थी, उस कलीसिया को परमेश्वर ऐसा बोलते, तुम चुना हुआ वंश। हालेलुया, हालेलुया। पूरे इज़राइल चुने हुए लोग थे, लेकिन पूरे इज़राइल को कलीसिया नहीं कहा गया। उनमें से जो लोग मसीह में आए थे, उनको प्रभु यीशु का वचन ऐसा कहता है कि तुम चुना हुआ वंश। परमेश्वर पूरे इज़राइल लोगों को नहीं, लेकिन सिर्फ अपने कलीसिया को ऐसा कहते हैं, चुना हुआ वंश। तो कलीसिया का मतलब होता है चुने हुए लोग, और मंडली का मतलब होता है एक झुंड। झुंड में सभी तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन कलीसिया में सिर्फ चुने हुए लोग। समझो कि आम का ढेर लगा दो, और उसमें से हम ऐसा करें कि सिर्फ जो पके हुए आम है उस जो उसका ढेर लगाओ उसमें से बाहर निकालते हैं हम। अभी यहाँ पर एक और पूरा ढेर लगाओ आम का, उसमें कच्चे आम है, उसमें पक्के आम है, उसमें सड़े हुए भी आम है, उसमें आधे कच्चे आधे पक्के भी आम है, और पूरे पके हुए भी आम है।
जितने पके हुए आम है अच्छे से उसको निकाल कर एक और रख दिया, तो उसको ये कहते हैं कि हमने इनमें से चुन कर इसको अलग किया। झुंड में बहुत सारे लोग हैं, कच्चे पक्के सड़े हुए आधे कच्चे आधे पक्के, लेकिन चुने हुए लोग वो आम जो है जो चुन कर निकाली वो सिर्फ पकी हुई आम है, उसमें और कोई मिलावट नहीं। तो जो झुंड होता है वो झुंड में कई तरह के लोग होते, मतलब मंडली में कई तरह के लोग होते, लेकिन कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए लोग जो है वो वहां पर होते हैं। हालेलुया। सारे इज़राइल के लोग उनको परमेश्वर ने कलीसिया नहीं कहा, हाँ परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किए, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा की, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने उनको मांस भी खिलाया, परमेश्वर उनके जूते फटने नहीं दिए, परमेश्वर उनके कपड़े भी पुराने नहीं होने दिए, परमेश्वर ने कभी उनको बीमार नहीं होने दिया। ये सारी बातें सही है, वो मंडली थी, वो एक झुंड था, लेकिन परमेश्वर ने इतना सब कुछ उनके लिए किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको कलीसिया नहीं कहा, परमेश्वर ने उनको मंडली कहा है, लेकिन परमेश्वर ने उनको कलीसिया नहीं कहा। उन्हीं में से कुछ लोग जो बाहर आए उनको परमेश्वर ने कलीसिया कहा। इन्हीं झुंड में से परमेश्वर ने पत्रस को कहा कि पत्रस तू पत्थर है और मैं तेरे ऊपर मेरी मंडली बनाऊंगा। प्रभु ने पत्रस से ऐसा कहा कि पत्रस मैं तेरे ऊपर मंडली बनाऊंगा, मतलब ये मंडली नहीं थी, ये एक झुंड था, ये कलीसिया नहीं थी प्रभु की, लेकिन वहां पर एक झुंड था और उस झुंड में से प्रभु ने ऐसा कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। उसमें से 120 लोग प्रभु की मौत के बाद बाहर निकले हुए थे, उन 120 लोगों के ऊपर 50वें दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उतार दिया और सबसे पहली जो कलीसिया बनी उनमें थे सिर्फ 120 लोग। ये सारे इज़राइल के लोग थे, 12 गोत्रों में से थे, उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर ने चमत्कार किए थे, उन्हीं लोगों को फिर उनसे आज़ाद करवाया था, उन्हीं लोगों को कनान देश दिया था, सब कुछ सही था, लेकिन उनमें से 120 लोग ऐसे थे जिनके अंदर पवित्र आत्मा था, और वो जो 120 लोग थे उनको प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि ये मेरी कलीसिया। तो पहली कलीसिया पहले दिन जो बनी वो सिर्फ 120 लोगों की थी, वो कलीसिया इसलिए थी क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा उतारे गए थे और प्रभु यीशु जो है वो अपनी मंडली नहीं लेकिन कलीसिया के प्रति बहुत तलबगार है, वो अपनी कलीसिया को बहुत ही चाहते हैं। क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को बहुत चाहते हैं? क्योंकि इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 5वां अध्याय उसका 23वां पद पढ़ो तो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आगे दी का उद्धार करता है। फिर से पढ़ो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। पति जो है वो पत्नी का सिर है, अभी देखो सिर मतलब ये बस सिर ऊपर वाला हिस्सा, उसके अंदर दिमाग होता है, दिमाग के अंदर बहुत सारी नाड़ियां होती है, जो लेफ्ट वाला दिमाग होता है एक ही दिमाग होता है लेकिन उसकी लेफ्ट साइड जो होती है वहां से कुछ नस निकल कर ऐसे राइट साइड में चली जाती है। अगर बाई साइड वाला दिमाग अगर काम करना बंद कर दे तो ये शरीर का दाएं वाला हिस्सा होता है उसको लकवा मार जाता है, काम करना बंद कर देता है। ये जो दिमाग है वो पूरे शरीर को चलाता है, सर है तो इसका मतलब शरीर है, जिस तरह से पति पत्नी का सिर है इसका मतलब पत्नी जो है वो बाकी का शरीर है। तो उसका दूसरा मतलब ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु कलीसिया के सिर, तो कलीसिया क्या हो गई? प्रभु यीशु की देह है। जो कलीसिया है वो कन्या है, वो पत्नी है और
वो प्रभु यीशु की एक देह है। तो कलीसिया का मतलब होता है कि प्रभु यीशु की कन्या, प्रभु यीशु की दुल्हन। लेकिन ये आत्मिक बात है, ये कोई शारीरिक बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। और जो दुल्हन होती है, जिसके साथ एक इंसान शादी करना चाहता है, वो अपनी दुल्हन जो है वो दुल्हन कैसी चाहता है, उसको कैसी दुल्हन पसंद है। कभी भी चाहे वो कितना भी काला हो, चाहे उसके दांत कितने भी बाहर निकले हो, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी चलेगी। बोलेगा अच्छी चाहिए मुझे तो। और एफिसी में ऐसा लिखा है, एफिसी उसका 5वां अध्याय उसका 27वां पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, देखो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, एक ऐसी दुल्हन की अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें ना कलंक, जिसमें ना कलंक हो, ना जुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। लेकिन पवित्र और निर्दोष हो, परमेश्वर दिखावे की बात नहीं करते। लेकिन परमेश्वर किसकी बात कर रहे कि दुल्हन कैसी होनी चाहिए, कलीसिया कैसी होनी चाहिए, होने वाली दुल्हन कैसी होनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई जरूरी ना हो। जरूरी का मतलब क्या होता है कि आप कपड़े अच्छे से प्रेस कर लो, प्रेस करने के बाद आप उसको अच्छे से मोड़कर रख दो, ज़्यादा नहीं, उसको 1 मिनट के बाद ही खोल कर देखो। जहाँ जहाँ से उसको मोड़कर रखा होगा ना, वहाँ पर जो लाइनें आ जाती हैं ना, उसको बोलते हैं जरूरी। मतलब इतनी भी कमी नहीं होनी चाहिए मंडली में, कलीसिया में ये इतना भी नहीं होना चाहिए। ये प्रभु यीशु कहते हैं कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए, मतलब प्रभु यीशु की जो दुल्हन है वो दुल्हन कैसी होनी चाहिए, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई जरूरी ना हो, और कोई भी ऐसी वस्तु ना हो कि जिसको ऐसा कह सके कि ये अपवित्र है। क्योंकि जो दुल्हन है वो ऐसी होनी चाहिए कि पति जो है वो सबके सामने बता सके, देखो ये मेरी होने वाली पत्नी है। नहीं तो कोई क्या बोलेगा यार इसके साथ। तो दुल्हन जो है वो ऐसी होनी चाहिए, कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी कलंक नहीं, और प्रभु यीशु बोल सके कि हाँ ये मेरी कलीसिया है। लेकिन आज प्रभु यीशु की कलीसिया बन तो चुकी है, पत्रस के ऊपर 50वें दिन वो कलीसिया बन तो गई है। लेकिन चलते 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 उस कलीसिया को शैतान ने कलंक लगाने का प्रयत्न किया है। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसके 5वें अध्याय में, और शुरू से आप जो पढ़ोगे तो वहां पर अनानिया और सफीरा नाम के पति पत्नी थे। उन लोगों ने क्या किया कि लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर प्रेरितों के आगे पैसे रख देते थे। इन लोगों ने सोचा सभी लोग रखते, चलो हम भी रख देते। ऐसी ना तो परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी और ना ही ऐसी आज्ञा पत्रस या और प्रेरितों के मुंह से निकली थी, ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी। लेकिन लोगों को अपने दिल में होता था हम ऐसा करें रख दे प्रेरितों के आगे, तो लोग रखते थे बिना संकोच, प्रेम से और खुशी से। तो इन लोगों ने सोचा यार लोग रखते हैं, हमारी तो इज्जत चली जाएगी, चलो हम भी रख देते। तो क्या किया इन लोगों ने, बेचा तो सही लेकिन इनका दिल नहीं मान रहा है। तो इन लोगों ने आपस में बातें की, हम लोग ऐसा करते हैं कुछ पैसे अपने पास रखते, देखो कलीसिया में जरूरी, कलीसिया में एक कलंक, तो देखो ऐसा होने नहीं दिया परमेश्वर ने। क्या हुआ, अनान्या गया पत्रस के पास और पवित्र आत्मा ने बता दिया, पत्रस ये झूठ बोल रहा है, वो तुम लोगों ने इतने में जमीन बेची। तो बोले हाँ, तो बोले तू पवित्र आत्मा को झूठ क्यों बोल रहा है, क्या वो जमीन के पैसे तेरे नहीं है, क्या हमने मांगे, क्या परमेश्वर ने मांगे, पूरे रख लेता तू तेरे पास, झूठ क्यों बोल रहा है, देख अभी लोग आएंगे और तुझे दफन कर देंगे क्योंकि तू मर जाएगा। और सुनकर ही वो वहां पर गिर पड़ा और वो मर गया। अभी उसकी डेड बॉडी को लेकर गए
उसकी पत्नी को भी नहीं बताया कि तेरा पति मर चुका है, क्योंकि कलीसिया जो है वो परमेश्वर की है, प्रभु यीशु की, उनके मालिक वही है, वो किसी को पूछकर काम नहीं करते। फिर क्या हुआ, उसकी पत्नी वहां पर गई, पतरस एक बार उसको भी पूछ लिया, बोले इतने में बेचा था। अब दोनों ने आपस में बात कर ली थी, कहीं कुछ उल्टा सुता ना हो जाए, तू भी इतना बोलना मैं भी इतना ही बोलूंगी। अब उसको क्या मालूम झूठ बोलने के कारण उसका पति मर चुका है, इसने भी झूठ बोल दिया। वो देख तेरे पति को दफन करने वाले लोग आ रहे, वो तुझे भी लेकर जाएंगे। वो भी गिर पड़ी, कलंक या जुर्री हमारे परमेश्वर अपनी कलीसिया में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसलिए अगर कलीसिया में आ भी गया, परमेश्वर उसको निकाल देंगे वहां से। वो ध्यान समझ, जो स्टेफनस था उन्होंने काफी प्रचार किया सामरिया में जाकर, बहुत लोग मसीह में आए, बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया, और उनमें एक तो था जादू क्रिया करने वाला, वो भी तो मसीह में आया, उसने भी तो विश्वास किया और उसने भी अपना जीवन समर्पित करते हुए बपतिस्मा लिया। अभी क्या हो, बपतिस्मा तो हो चुका था लेकिन पवित्र आत्मा से प्रेरित के हाथ रखने से मिलते, तो स्टेफन सचा अभी पवित्र आत्मा भी तो मिलना चाहिए। और इसलिए यूहन्ना और पतरस को बुलाया गया, वो दोनों वहां पर आए और उन लोगों ने लोगों के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दी। जैसे जैसे लोगों के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते गए, वो लोग पवित्र आत्मा से भरते गए। तो इसने देख लिया, और वहां पर ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 17 और 18 पद, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अभी देखो ये शमौन क्या कहता है, वो पतरस को पैसे देने लगे, बोले मुझे भी तो अधिकार दो कि मैं भी किसी के सर के ऊपर हाथ रखूं और वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। अभी देखो ये कोई सेवा करना नहीं चाहता, ये कौन था, जादू क्रिया करने वाला। और इसलिए पहले जादू कर वो काफी पैसा कमाई कर लेता था, लेकिन लोगों ने जब देखा कि स्टेफनस से अरे फिलिपुस से इतने सारे चमत्कार हो रहे, तो फिलिपुस से इतने सारे चमत्कार हो रहे, तो फिर मेरा काम तो ऐसे ही बंद हो गया, तो करो तो क्या करो, चलो इसके पीछे जाता हूं। तो फिलिपुस के पीछे हो गया, लेकिन दिल में अभी वही पुरानी बात है, कलीसिया में जॉइंट होने के लिए तो आ गया, बपतिस्मा भी तो ले लिया, लेकिन बिना पवित्र आत्मा कोई कलीसिया में नहीं आ सकता। तो इसने सोचा कोई बात नहीं, पतरस आ गए, यूहन्ना आ गए, लोगों को पवित्र आत्मा मिल रही, बोले मुझे भी तो दो, मैं पैसा दे रहा हूं। इसका मतलब यहां पर भी क्या करने के लिए आया था, एक यहां पर भी वो कमाई करने के लिए आया था, उसको ऐसा कि मैं यहाँ पर भी कमाई कर लूँगा, अपने फील्ड जो है वो बदल देता हूँ, लेकिन कारोबार यहाँ पर भी कर लेता हूँ। और परमेश्वर की कलीसिया में कहीं पर कारोबार के लिए कोई भी जगह नहीं है। और पत्र से समन को बोल दिया, बोले तेरे साथ तेरे पैसा भी नाश हो जाए। देखो कलीसिया में जरूरी जो है वो परमेश्वर बाहर से बाहर निकाल देते, परमेश्वर उसको वहां से बाहर ही निकाल देते, क्योंकि वो खुद दुल्हा है और कलीसिया उनकी दुल्हन है। तो एक दुल्हा जो होता है कैसी दुल्हन चाहता है, और अपनी दुल्हन को वो किस तरह से वो रखना चाहते है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य इसका 2वां अध्याय 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 2वां पद, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थे जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। यहाँ पर यूहन्ना ने स्वर्गीय यरूशलेम को देखा, बोले इस तरह से उसको सजाया गया था, ये तो एक शहर है, लेकिन उसको इस तरह सजाया गया जैसे दुल्हन को सजाया जाता है अपने पति के लिए। अभी शादी नहीं हुई, लेकिन पति के लिए जिस तरह से एक लड़की को सजाया जाता है, एक दुल्हन को सजाया जाता है, वैसे ही इस नए यरूशलेम को सजाया गया था। फिर आगे पढ़ दो उसका 9वां पद,
फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात पिछली विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। देखो बोले, मैं तुझे मेमना प्रभु यीशु उसकी दुल्हन बताता हूँ। और क्या दिखाया? तो बोले स्वर्गीय यरूशलेम दिखाया, जिसको एक दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। ये कलीसिया है प्रभु यीशु की, ये प्रभु यीशु की दुल्हन है। और एक दुल्हा जो है अपनी दुल्हन को इस तरह सजाना चाहता है, और प्रभु यीशु जो दुल्हा है वो आत्मिक दुल्हा है, और कलीसिया उनकी आत्मिक दुल्हन है। वो पवित्र आत्मा के सारे वरदानों से और पवित्र आत्मा के सारे फलों से वो अपनी कलीसिया को वो सजाना चाहते कि अपनी कलीसिया को वो पूरे पवित्र आत्मा के सारे वरदान और सारे फलों से वो सजाना चाहते। ये एक आत्मिक संबंध है, ये शारीरिक नहीं, दैहिक नहीं, लेकिन ये आत्मिक संबंध है। क्योंकि कलीसिया तो कलीसिया ही है, वो हम इंसानों की बनी हुई है, ये आत्मिक एक रिश्ता है। लेकिन जो कलीसिया है उस कलीसिया में कौन स्थान पा सकता है, इस कलीसिया में किसको जगह मिल सकती है? जब पत्रस ने पहली बार प्रचार किया, उसके बाद पत्रस ने बताया कि किस तरह से आप कलीसिया में आ सकते हो, किस तरह से आप प्रभु यीशु की कलीसिया के मेंबर हो सकते हो। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका दूसरा अध्याय उसका 38:38। पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। सबसे पहले मन फिराओ मतलब पश्चाताप करो, उसके बाद बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये तीन बातें जब खत्म हो जाएगी, आप मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, फिर आप बपतिस्मा लोगे, आपके पाप मिटाए जाएंगे और आपको पवित्र आत्मा मिल जाएंगे, तो आप भी प्रभु की कलीसिया में। क्योंकि उसके 41वें पद में लिखा है 41, तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, देखो जिन्होंने पतरस की बात मानी, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3,000 लोग मिल गए। 3,000 कौन थे? जिन्होंने पतरस की बात मानी। पतरस की कौन सी बात मानी? पतरस ने बोला पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, ताकि पाप मिटाया जाए और आपको पवित्र आत्मा मिल जाए। तो जिन लोगों ने बात मानी उन्होंने क्या किया होगा? मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा ले ली और उनको पवित्र आत्मा मिल गई। और ऐसे 3,000 लोग थे जो कलीसिया में जुड़ गए, पहले 120 लोग, और अब प्रभु से की कलीसिया में पवित्र आत्मा पाए हुए लोग और 3,000। मतलब अब कलीसिया की जो गिनती थी वो समझो 3,120 के करीब वो पहुंच गई। आज कई लोग ऐसे हैं कि जो धोखे से, वो ध्यान समझना, आज कई लोग ऐसे हैं जो धोखे से इस कलीसिया में घुस कर आते हैं। कलीसिया में घुस कराना मतलब प्रभु से उनको कलीसिया नहीं बनाते, वो कलीसिया बनते भी नहीं, कलीसिया के मेंबर बनते भी नहीं, लेकिन बाहरी दिखावा कर कर कई लोग ऐसे हैं जो धोखे से यहाँ पर घुस कर आ जाते। जैसे कि समोन आ गया था, जो जादू करने वाला था, वो भी धोखे से घुस कर आया था। कहाँ उसको पवित्र आत्मा मिले थे? बपतिस्मा तक तो बात हो गई, लेकिन उसको पवित्र आत्मा जो थे वो तो नहीं मिले थे। यहाँ पर भी क्यों आया था? वो कमाई करने के लिए आया था। देखो कई लोग कलीसिया में कमाई करने के लिए जुड़ते हैं, कलीसिया के अंदर जाकर चलो हम कमाई करते, ये मेरी कमाई बंद हो गई तो अभी दूसरी कमाई कर लेते। पहले वो कुछ और कारोबार था तो अब कुछ और कारोबार जो है वो कर लेंगे। कई लोग जो है अपना फील्ड जो है वो फील्ड बदल देते, अपनी जगह बदल देते कमाई करने की। एक भाई साहब थे, वो अपने मित्र से बात कर रहे थे, बोले यार मुझे तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुझे होटल में नहीं खाना है। बोले तो फिर तू क्या करता है? बोले पैक कराकर घर पर खाता हूं।
काम वही, जगह बदल दी। कई लोग इस तरह से कलीसिया के अंदर आकर वो लोग जुड़ जाते, कारोबार छोड़ देते हैं, कलीसिया में घुस जाते हैं और अब तेल बेचते हैं, अब पानी की बोतल बेचते हैं, अच्छा कारोबार। आप कोई भी दुकान पर जाओ, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको 50 ग्राम तेल 200 रुपए में बेचकर बताए, लेकिन पास्टर के पास जाओ वो 10 रुपए का तेल आपको 200 रुपए में बेचकर बताएगा, और फिर भी आप उसको धन्यवाद करते करोगे। जगह बदल दी, फील्ड बदल दिया, पहले कुछ और कारोबार करता था, अब यहां पर घुस आया। ध्यान से समझना, वो कलीसिया में नहीं है, वो तो अभी भी यहां पर आकर वो कारोबार करता है, कोई तेल बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई पेन बेचता है। इस तरह से लोग यहां पर आकर कारोबार करते, कोई बोलते है पार्टनर बन जाओ, तभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कहे तो सामने से पूछते, कितने वाली प्रार्थना करूं? 1500 वाली प्रार्थना करूं, या 2500 वाली प्रार्थना करूं, या 5000 वाली प्रार्थना करूं? बोले प्रार्थना में भी ऐसा, एक बार तो स्टेशन के बाहर ऑटो वाला ऐसा बोलता है, फर्स्ट क्लास में आना है कि सेकंड क्लास में आना है कि थर्ड क्लास में आना है, पूरे ऑटो को देख लिया चार और को, बोले इसमें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास वाली कौन सी बात है? तो बोलते हैं देखो फर्स्ट क्लास में ऐसा है कि आप पीछे बैठोगे, मैं ऑटो चलाऊंगा, सारे खड्डे स्पीड ब्रेकर सब कुछ देख कर चलाऊंगा। सेकंड क्लास में ये है कि मैं चलाऊंगा, खड्डा भी नहीं देखूंगा, स्पीड ब्रेकर भी नहीं देखूंगा, आपकी कमर का क्या हो जाएगा मालूम नहीं। और थर्ड क्लास में मैं पीछे बैठूंगा, आपको चला कर जाना पड़ेगा। प्रार्थना में भी ऐसा, बोले ऐसी कैसी प्रार्थना 5000 वाली? बोले अभी चंगे हो जाओगे। बोले 2500 वाली? बोले 3 दिन लगेंगे। और बोलेगा 1500 वाले? बोले उसमें कोई ठिकाना नहीं है। मिले या ना भी मिले, ये सही में हम हंस रहे ऐसे है पास्टर, ऐसे बोलते पूछते कि आपको कितने वाली प्रार्थना जो है वो करवानी है। और अगर कभी आपको विश्वास ना आए तो जितने जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास का नाम आपको मालूम है ना, फोन लगा कर देख लेना और उससे पूछ लेना कि भाई साहब आप हमारे शहर में आओ, हम आपकी मीटिंग करवाना चाहते हैं, और आपकी फीस बता दो, अपना चार्ज बता दो, अपना चार्ज बता देंगे आपको। फील्ड बदल दिया, पहले कोई और कारोबार करते थे, अब कलीसिया में घुस कर आ गए। ये कलीसिया के मेंबर नहीं, इतना तो ध्यान में रखना है, कलीसिया के मेंबर नहीं है, ये घुस कर आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपना कारोबार बस बदल दिया। अभी यहाँ पर भी कारोबार करते, कोई प्लेन की टिकट मांगता है, कोई फर्स्ट एसी की टिकट मांगता है, कोई फाइव स्टार होटल मांगता है, और इस तरह से ये लोग कारोबार करते। अरे लोग तो कब्रस्तान में संसार में कारोबार कर लेते, किसी को जलाना था शमशान में, काफी लोग इकट्ठा हुए थे। एक भाई साहब रो रहा था, उसने जेब से 2000 की दो नोटें निकाली और जहां पर उसको जलाना था वहां पर बीच में रख दी 4000 रुपए। बोलते क्यों? बोले मुझे इसको देने थे 4000 रुपए। बोले अच्छा, तो उसके पास अपना पर्स पड़ा था, उसमें चेकबुक निकाली उसने। बोले 4000 तो मुझे भी दिया, मुझे तो इसको 1000 देना है। तो उसने 5000 का चेक बनाकर चेक बीच में डाल दिया, 4000 ले लिए। देखे जा तो मुझे भी देना, शमशान में कारोबार। अगर दफन होना है तो 5000 जुर्माना लगेगा, करते हैं ना कारोबार, करते हैं कारोबार, कब्रस्तान में कारोबार। घुसाए, हम लोग आपको दफन नहीं होने देंगे, पैसा लगेगा, कारोबार कर रहे। पहले कुछ और कारोबार था, अभी यहां पर आकर इस तरह से
ये लोग कारोबार कर रहे हैं। पहले कुरंथी में लिखा है, पहला कुरंथी उसका पहला अध्याय और 10 से 5 से पढ़ो तो। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। देखो पौलुस अपनी कलीसिया से, परमेश्वर की कलीसिया से ऐसा कहते, एक समान बात करो, फिर तुम में फूट ना हो परंतु एक ही मन और एक ही मत रखो। परमेश्वर की कलीसिया में सब एक है, एक ही मन एक ही मत। अगर दूसरा झुंड ऐसा कहता है कि नहीं हम तो ये बात नहीं मानते, तो समझ लेना ये झुंड है, कलीसिया नहीं है। जब बाइबल एक, वचन एक, परमेश्वर एक, पवित्र आत्मा एक, तो दो मत कैसे हो सकते, दो मन कैसे हो सकते। तो पौलुस अपने कलीसिया को, परमेश्वर के कलीसिया को समझा रहे कि देखो एक मन होना, एक चित्त होना, एक मत रहना। आज कई लोग एक मन नहीं, एक मत भी नहीं। एक बार पत्नी ने बोला पति को, बोले मुझसे हारमोनियम ला कर दो। कोई बात नहीं, ला कर देता हूं। दोनों चले गए बाजार में, लेकिन पहले दुकान आई बांसुरी की, तो बोलता है ऐसा कर तू अभी बांसुरी ही ले ले, अभी हारमोनियम महंगा आता है, बांसुरी सस्ती आती है। बोला फिर हर बार ऐसे ही करते हो, मेरे पीछे खर्च नहीं करते, मुझसे प्रेम नहीं करते, हारमोनियम महंगा आता है, घर से आप बोलकर लेकर हारमोनियम ला कर दूंगा और अभी यहाँ पर बांसुरी। बोले ऐसा नहीं, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तू बांसुरी ले ले, और तुझे ऐसा लगता है मैं तेरे पीछे खर्च नहीं करता, कितने पैसे बचते, उससे डबल कपड़े खरीद ले जा, मैं तुझे देता हूँ पैसे, कपड़े खरीद ले, पैसा खर्च नहीं करना, मैं क्या है, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, कोई बात नहीं। उसे भी सोचा कि चलो बांसुरी और कपड़े भी तो, मतलब मेरा पति मुझसे प्रेम तो कर ही रहा है। उसके मित्र ने उसको देख लिया, बोले यार तू ये कैसे घाटे का सौदा कर रहे, हारमोनियम ला कर देता, डबल रुपये के तूने कपड़े ला कर दिए। बोले अभी बांसुरी बजाएंगे तो साथ में गाना नहीं गाएगी। बोले तो हारमोनियम बजाना नहीं आता, उसमें मेरा दिमाग खराब कर, साथ में गांधी गाती भी, अब तो कम से कम बांसुरी से दिमाग खराब होगा ना थोड़ा यार। अभी देखो ये कैसा एक मन, ये कैसा प्रेम, ये कैसे एक मत बात है। लोग बड़ी बड़ी करते हम कलीसिया में, हम ये वो, कितनी बार मैंने कहकर रखा है कि शुक्रवार को मुझे मैसेज कर दो कि मैं आने वाला हूँ कल, या तो नहीं आने वाला। अभी मैं क्या समझू, इसको एक मन समझू, एक मत समझू, अरे मेरा तो फाइनल ही है, फिर उसके बाद भी नहीं दिखाई देता तो मैं क्या करूं। अगर कलीसिया के है तो ये कैसे एक मन, ये कैसे एक मत, ये बात इतनी आसान नहीं है। कभी लैपटॉप दे दूंगा, एक दिन होल नाइट चला कर बताना मुझे। जब आप लेट आते हो ना, जो ऐसे चलता है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे आखर को देखना पड़ता है कौन कब आया, और चक्कर सही से नहीं चलता आपको देखा, कोई बात नहीं पूरी रात बैठना आता है घंटा लेट। ये एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है। और कलीसिया परमेश्वर कलीसिया को तो ऐसा बोलते, एक मन रहो, एक मत रहो। ऐसा जो है वो परमेश्वर की कलीसिया के अंदर नहीं होता, एक मन होना पड़ता है, एकता में हमें रहना पड़ता है। पत्नी बोलती है, बोले नौकराई रखते हो तो पैसा दे, तो उसको तनख्वाह दे, तो मुझे भी तो तनख्वाह दो। पति बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन काम पसंद नहीं आया तो मैं निकाल भी सकता हूँ। और पति पत्नी मतलब प्रभु ईश्वर कलीसिया, ऐसा रिश्ता सबसे करीबी, लेकिन जो एक मन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। और मोबाइल में देखो तो पति के नाम के सामने, पत्नी के नाम के सामने
जान जानू माय लव ऐसे तो नाम से वो करते और पति को छाती में दर्द होने लगा, वो ऐसा दर्द के मारे से कर रहा है, पत्नी को बोला जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर को फोन कर। पत्नी ने उसका फोन लिया, बोले पासवर्ड तो बता, बोले नहीं अभी तो अच्छा लगता है। ये कैसे एक मन, ये कैसी एकता, ये कैसे एक मत। एक तो अपनी पत्नी को हमेशा रानी के करीब बुलाता था, उसकी पत्नी भी कम नहीं थी, वो भी बोलता जान। एक बार उसके मित्र ने देख लिया, तो अपनी पत्नी को रानी बोलता है, बोले तू रानी क्यों बोलता है, बोले नौकरा नहीं लंबा लगता है। तो पत्नी को पूछ लिया, बोले तू अपने पति को जान क्यों बोलता है, तो जानवर लंबा लगता है। कलीसिया को परमेश्वर बोलते हैं एक मन होने चाहिए, एक मत होने चाहिए, लेकिन कलीसिया के अंदर ऐसे लोग घुस कर आए कि जहां पर एक तनाम की बात नहीं, एक मन होने की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर तो अपने कलीसिया को एक मन बनाते हैं। अगर कोई गलती करे उसको मुंह पर बताए तो अच्छी बात लगती है, लेकिन पीछे से बात करे उसको निंदा कहते हैं। ये एक मन वाली बात नहीं है, एकता वाली बात नहीं। कई बार लोग आकर मुझसे किसी की बात करते तो फिर मैं मन में सोचता हूँ ये कैसी एकता है, ये कैसे एक मन होने की बात। गलती लगे उसको सामने बोल दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसको बुरा लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सामने बोलना तो सीखो। क्योंकि पहला तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और 19-20 पद है, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण। अच्छा फिर से पढ़ो, और विश्वास, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो जिसे दूर करने के कारण, जिसे दूर करने के कारण, विश्वास और विवेक उसको दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास का जो जहाज था वो डूब गया, इसका मतलब विश्वास भी रख और अपना विवेक भी बनाए रख। कलीसिया में दोनों चीज चाहिए, विवेक भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। फिर उन्हीं में से हुमनायूस और सिकंदर है, उनमें से हुमनायूस और सिकंदर है जिन्होंने विश्वास को छोड़ दिया, विश्वास का जहाज डुबो दिया और अपने विवेक को छोड़ दिया। विवेक का मतलब होता है कुछ गलत करने से अंदर से आत्मा जो टोकता है, लेकिन जब गलत करने के बाद भी अंदर से आत्मा नहीं टोकता उसको बोलते इसका विवेक खत्म हो गया, इसके पास कुछ नहीं है। बोले उनमें से हुमना सिकंदर है, फिर जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया, जिसको मैंने शैतान को सौंप दिया, मतलब कलीसिया से निकाल दिया। देखो कलीसिया में अगर आपका हृदय साफ नहीं, आपका विवेक नहीं, आपका विश्वास नहीं, तो कलीसिया में कोई जगह नहीं। परमेश्वर उस कलीसिया से आपको निकाल देंगे और वापस उस झुंड में चले जाओगे कि जहां आपके जूते नहीं फटेंगे, उससे पहले नए जूते आ जाएंगे, कपड़े मिलते रहेंगे। हाँ प्रभु क्या आशीष है आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन रास्ते में लाश गल जाएगी ना, वहां तक परमेश्वर मारेंगे। लेकिन कलीसिया अलग से है, कलीसिया अलग से चीज है, वो झुंड नहीं है, वो तो चुने हुए लोग है। फिर दूसरे तिमोथी में लिखा है उसका चौथा अध्याय उसका 10वां पद, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। हाँ प्रभु ने बोला है कि संसार पर प्रेम ना करो, और जो संसार पर प्रेम करता है वो कलीसिया में वो गलती से भी वो नहीं रह सकता। देखिए बहुत ध्यान समझना, वो चाहे हुमनायूस हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे शैतान के हवाले कर दिए गए हो, चाहे देमास जैसे लोग हैं,
कलीसिया से उनको निकाला तो जाता है, अभी कलीसिया में है नहीं, लेकिन एक कौन से बाहर जाकर बोलते हैं कि अब हम कलीसिया में नहीं है। 70 चेले प्रभु को छोड़कर निकल चुके थे ना, लेकिन कभी बाहर जाकर उन्होंने ऐसा बोला कि अब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, हम उसके चेले नहीं है। लेकिन किसी के बेटे को दुष्टात्मा थी तो वो उनके पास लेकर आया 70 चेलों के पास, बोले इनमें से दुष्टात्मा निकलो, आप तो प्रभु के चेले। और इतने बेशर्म कि यीशु मसीह का नाम लेकर वो चिल्लाने पे चल निकल निकल निकल, वो निकल ही नहीं रहा है। तो प्रभु अपने 12 चेलों को लेकर आए, तो प्रभु ने देखा इतनी भीड़ क्यों, क्योंकि 70 तो पुराने वाले चेले थे जो छोड़कर भाग चुके थे। कलीसिया से बाहर निकलने के बाद ऐसे लोग बोलते नहीं है कब हम परमेश्वर में नहीं रहे, हम कलीसिया में नहीं रहे। उनको तो अभी भी ऐसा लगता है, अभी भी हमको तो कपड़े मिलते हैं, हमको खाना मिलता है, हमको जूते मिलते हैं, सब कुछ हमारा सही चल रहा है, परमेश्वर की आशीष बहुत है, उनको पता नहीं चलता है। और प्रभु उसने बोला क्या है कि भीड़ क्यों हुआ, बोले मैं इस बेटे को तेरे चेलों के पास लेकर आया, देखो इज्जत किसकी जाती है, बोले मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया लेकिन इनसे भूत निकला नहीं। अभी भी भूत भगाने के लिए खड़े हो जाते, उनको ऐसा होता अभी भी हमसे निकल ही जाएगा, लेकिन चाहे कितना भी चिल्लाओ फिर उनसे जो भूत निकलना चाहिए वो भूत नहीं निकलते। प्रभु ने पत्रस से कहा था कि पत्रस तू पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। अगर प्रभु ने अपनी कलीसिया बनाई है तो प्रभु के अपने कानून भी उसमें लगते हैं, प्रभु की आज्ञाएं भी जो है वो अपनी कलीसिया में वो रहती है। जो कोई आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, वो ध्यान समझता, जो कोई प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता उनको प्रभु भी कुछ कहते। और मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 17 पद। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, कि हे अविश्वासी हठीले लोगों, ये अविश्वासी और हठीले लोगों, हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, सही में यहाँ शब्द है व्यभिचारी लोग। 70 चेलों से प्रभु ने ऐसा कहा, व्यभिचारी लोग और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं कब तक तुम्हारे सहूंगा। ये लोग प्रभु को सताने वाले नहीं थे, प्रभु को जाहिर में कुछ नहीं करते थे, लेकिन अभी भी उनके ऊपर लेबल लगा होता है यीशु मसीह के चेले का, और वो खुद भी वही लेबल लेकर घूम रहे थे, उनसे कोई काम भी नहीं हो रहा था। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा हुआ है, कहीं पर भी जाते हैं बात समझने लगते, दुष्ट आत्मा और बीमारियां दो अलग अलग चीजें, बीमारी भी दुष्ट आत्मा से ही आती है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं होता, लेकिन जो आम दुष्ट आत्मा होता है वो प्रकट हो जाता है। जैसे बुखार को डांटो तो प्रकट हो, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन जो दूसरा दुष्ट आत्मा जो किसी को पकड़ लेता है वो अंदर से बोलने लगता है क्या है भाई मैं नहीं जाऊंगा, और एक बार वो प्रकट होता है तो उसको निकालने के बाद ही दम लेना होता है, वो काम आधा नहीं कर सकते। बुखार तो चाहे जाए नहीं कोई बात नहीं, अभी प्रार्थना होगी परमेश्वर बुखार दूर कर देंगे, बोलकर चला जा सकता है इंसान, कोई बात नहीं, टाइफाइड कोई बात दवाई लेते रहो, प्रार्थना हो गई है परमेश्वर दवाई को आशीषित करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, उसमें तो आधे को छोड़कर जा सकते। लेकिन दुष्टात्मा एक बार प्रकट हो जाएगा उसके बाद उसको आधे में से छोड़ जाना यह मुश्किल सी बात है। और इसलिए ऐसे लोग जिनको मालूम है कि हमारा से नहीं जाता, बीमार लेके तो अकेले भागेंगे, मुझे पूछेंगे भी नहीं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन जब दुष्टात्मा स्टैंड पे चलो ना तब पक्का बोलेंगे। तो मेरे भाई सब कलीसिया में रहो ना, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो, उनका लहू और मांस खाओ, छोड़ कर जाते हो और फिर भूत को बोलते हो निकल, तो बोले तेरे अंदर तो ना तो यीशु का लहू है ना तेरे अंदर मांस है, तेरे से कौन मैं निकलने वाला, चल तू जाएगा, वो खुद पका देगा उसको। मैं हर बार बोलता हूँ इसको मत छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ना है इसको, कौन सा बहाना है आपके पास, प्रभु यीशु के लहू से बढ़कर क्या है, चिकन बिरयानी क्या, शादी का खाना क्या, बर्थडे का खाना क्या, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब लोग इसको छोड़ते हैं ना और फिर भूत भगाने के लिए खड़े हो जाते तब नहीं होता उनसे। ये 70 चेले अभी भी लेबल लेकर घूमते हैं और अभी भी वो इधर उधर नहीं होते। तो प्रभु से उनको बोला फिर से पढ़ो तो 17 का 17। यीशु ने उत्तर दिया,
कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों। हाँ प्रभु सही में कहता है व्यभिचारी लोग और हठीले लोग। पढ़ो तो कोई गुजराती में। तेरे श्वेता ने उत्तर दिया के और अविश्वासी तथा आड़ी पेड़ी। अविश्वासी तथा आड़ी पेड़ी। हाँ क्या सुधे हूँ तुम्हारे साथ रहीस। हाँ मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अविश्वासी का मतलब होता है विश्वास का मतलब आज्ञाकारी और अविश्वास का मतलब होता है कि अनाज्ञाकारी और पति की आज्ञा नहीं मानना उसको बोलते हैं व्यभिचार। ये व्यभिचारी लोग थे। बोले यहाँ से हटो भी यहाँ से निकलो मैं कब तक तुम्हारा सहूंगा क्योंकि तुम अभी भी लेबल लग कर घूमते अभी भी किसी को मना नहीं करते कि हम प्रभु यीशु के चेले ने हम वहां से छोड़कर आ गए। और वो ध्यान समझना हठीला कोई किसको कहेगा व्यभिचारी कोई किसको कब कहेगा। किसी से एक गलती हो जाए तो कुछ नहीं होता उसको परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते। दाऊद से गलती हो गई लेकिन परमेश्वर क्या बोलते दाऊद मेरा सेवक है। तो उसको गलती पता है उसने मान ली छोड़ दिया सब कुछ लेकिन एक ही गलती कोई बार बार करता जाए तब उसको कहा जाता है हठीले लोग। ये 70 चेले हठीले हो गए थे। एक आज्ञा नहीं कई आज्ञाएं उन्होंने मानना बंद कर दिया। बस वही समस्या के पीछे चलते नहीं थे उन्होंने चलना छोड़ दिया था। योना 6 में लिखा है उसके 66 पद में कि 70 चेले प्रभु को छोड़कर चले गए थे। प्रभु से क्या आज्ञा वो लोग मानते नहीं थे और इसलिए प्रभु उनको बोलते हठीले लोग। एक तो बार में प्रभु से कभी नहीं कहते लेकिन जब बार बार कोई आज्ञा नहीं मानता तब प्रभु उनको ऐसा कहते हैं कि हठीले लोग। और फिर आगे वहां पर लिखा है मत्ती 17 और उसके 19 से पद में तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। अभी देखो कितने बेसंग 70 लोग। उसके बाद पूछे प्रभु क्यों नहीं निकाल पाए मेरा मांस खाता है मेरा लहू पीता है बात अब तो छोड़कर आ गया आपको तो बात कठिन लगी और अभी भी तू मुझे पूछता है तेरे में शरण नाम की भी कोई चीज है कि नहीं कि मेरे से दुष्टात्मा क्यों नहीं निकलता। अभी उससे दुष्टात्मा नहीं निकल रहे। बोले परमेश्वर प्रभु से ऐसा क्यों हुआ। फिर प्रभु उसने फिर भी उनको उत्तर दिया क्या बोला उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास की घटी के कारण तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। और फिर आगे सही में तो ऐसा लिखा है कि उपवास और प्रार्थना के बिना ये दुष्टात्मा नहीं निकलती इनको तो खाना है। एक बार ऐसा एक दास बोलते जब खा पी कर दुष्टात्मा निकल सकता है तो फिर हम उपवास कर कर क्यों जाए बोले उसको खाने की पड़ी है। लेकिन शैतान के साथ लड़ने के लिए खाना नहीं वहां तो उपवास की जरूरत होती है। जब कोई आज्ञाकारी नहीं करता तो उसको अविश्वास कहते हैं। अविश्वास विश्वास का मतलब होता है आज्ञा मानना और अविश्वास का मतलब होता है अनाज्ञाकारी। और प्रभु उसने कहा कि आप लोग अभी मेरे मानते ही कहाँ। और जब कोई प्रभु उसके नहीं मानते वो पूछने के बाद भी नहीं मानते। 70 चेलों ने पूछा क्या उसके बाद प्रभु उसके पीछे चलने लगे वापस वो फिर भी नहीं चले। प्रभु उससे पूछा तो सही लेकिन उसके बाद भी वो प्रभु उसके पीछे नहीं चले। कई लोग आज भी ऐसे ही पूछते तो है क्यों मेरे जीवन में ऐसा। जब उसको बताया जाता है कि तेरे यहाँ यहाँ पर ये गलती है इतनी बार गलती है लेकिन वो सिर्फ पूछता है लेकिन उसके बाद में भी वो मानता नहीं। पूछते हैं लेकिन करते नहीं है। इसी को हठिलापन कहते हैं। इसी को बाइबल की लैंग्वेज में इसको व्यभिचार कहते हैं। और ऐसे लोग क्या है ये अपने आप को होशियार समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हमारे अंदर अक्ल है हम होशियार हैं। सही में ऐसे लोग होशियार नहीं ये अपने आप को ओवर स्मार्ट बताते हैं। ये ऐसा समझते हैं जब कोई होशियार नहीं और अपने आप को होशियार समझता है इसका मतलब ओवर स्मार्ट वह है नहीं उतना वो उसको मानता है। और फिर आखिर क्या होता है वो सबके बीच में वो मूर्ख बनता है। अभी तो जमाना बदल गया टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। पहले जब मैं छोटा था और किसी को अस्पताल में एडमिट करते थे तो लोग एक दूसरे के घर जाते थे अरे आपके पास थर्मोस है क्या उसकी बनावट कुछ अलग से होती थी।
बाहर से कुछ और अंदर से एक कांच का प्याला बनाया होता होता है, उसको डायरेक्ट हवा नहीं लगती तो उसमें चाय कुछ वक्त तक गर्म रहती थी। अभी जमाना बदल गया, अभी तो आप बाजार में जाओ ऐसे ऐसे थर्मोस मिलते हैं आपको कि 24 घंटे तक आप ठंडा रखना चाहे तो ठंडा भी रह सकता है और 24 घंटे तक अगर गर्म रखना चाहे तो 24 घंटे तक गर्म रह सकता है। अभी तो आपको 24 घंटे की सफ़र करनी है तो रास्ते में चाय खरीदने की जरूरत नहीं, घर से चाय बना कर जाओ 24 घंटे तक गर्म रहेगी। एक भाई ऐसे ही थर्मोस नया नया लेकर आए, पूछ कर पूरी तरह से बोले ठंडा ठंडा रहेगा, बोले हाँ, और गर्म, बोले गर्म रहेगा। वैसे सीना तान का चल रहा है थर्मोस लेकर, किसी ने देख लिया, बोले साहब ये क्या है? बोले थर्मोस है, थर्मोस है। बोले ये क्या काम आता है? बोले इसमें गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है। अच्छा तू क्या लेकर जा रहा है? बोले 2 कप आइसक्रीम और 2 कप चाय। अभी थर्मोस क्या करे, दोनों चीजें अंदर आ गई। जब अपने आप को लोग होशियार समझते वो ऐसे ही मूर्ख बन जाते। और आज का वचन बहुत ध्यान से सुनना कि देखो परमेश्वर हमें क्या सिखाने के लिए जा रहे। जो वचन आज हमने पढ़ा था उत्पत्ति, और हमने पढ़ा था उसका 34वां अध्याय और 1 से लेकर 17 पद हमने पढ़े, और वहाँ पर याकूब जिसके 12 बेटे थे, 4 पत्नियाँ थी, उसमें से जो लिया थी उस लिया से उसे दीना नाम की एक लड़की पैदा हुई थी। अब ये दीना जो थी, ये लोग के पास, ये लोग अभी तो रास्ते में घूम रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने बोला था अब्राहम को, अब्राहम मैं तुझे एक देश दूंगा, अब्राहम को नहीं मिला था। अभी ईसाक आ गए, ईसाक को भी नहीं मिला था। अब याकूब, याकूब को भी नहीं मिला था। ये कभी यहाँ कभी वहाँ बंजारे के समान ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे। और तभी किसी जगह पर वो लोग गए थे तो वहाँ पर इनकी लड़की जो थी वो बाहर घूमने के लिए निकली, और तभी वहाँ पर एक लड़का था जवान शखेम, उसको ये लड़की बहुत पसंद आ गई। उसने उसके साथ जबरदस्ती की, उसके साथ कुकर्म कर दिया, और उसके बाद उसने अपने पिता से भी बोला कि बोले मेरी जो शादी है ना वो आप इसी लड़की से करवा दो। तो पता चला वो तो याकूब की बेटी है। उसका बाप बोलता है चलो चलते, क्योंकि तो ऐसे ही परदेसी थे, वो तो वहीं के निवासी थे, उनकी चलने वाली थी। बाप बेटे गए और जाकर याकूब से कहा, बोले तेरी लड़की जो है मेरे बेटे के साथ शादी करवा दे उसकी। याकूब को भी पता चल गया कि मेरी बेटी जो है उसके साथ किस तरह की घटना जो है वो घटना उसके साथ हो गई है। बहुत ध्यान समझना परमेश्वर के वचन को। अभी उसके बाद याकूब के बेटे भी आ गए, उनको भी ये बात बताई। अभी उनकी बहन है सगी, उसके साथ किसी ने कुकर्म किया है और ऊपर से वहीं पर आए और बोले शादी करवा दो, वो भी अन्य जाति से। इनको गुस्सा तो बहुत आया लेकिन रहते थे उन्हीं की जगह पर, अब करे तो क्या करे। इन लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन देखो हम लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं उन्होंने हम पुरुषों को तो ऐसा बोला है कि खतना करो, तो हम जो लोग खतना करते हैं बस हम उन्हीं को अपनी लड़की दे सकते हैं और लोगों को हम हमारी लड़की नहीं दे सकते। अगर आप मेरी बहन से अगर शादी करना चाहते हो तो बोले काम करो अपना खतना करवाओ। अरे बोलते नहीं, हम सब लोग साथ में मिलजुल कर रहेंगे, आप अपनी बेटियां हमको देना, हमारी बेटियां हम आपको देंगे, इसी देश में रहो, देखो जो भी कारोबार करना है वो करो, हम सब साथ में मिलकर यहाँ पर रहेंगे, आप यहीं पर रहो। तो बोले कोई बात नहीं, अगर आप सभी लोग खतना करवाते हो तो हम ये काम कर सकते, और अगर आप खतना नहीं करोगे तो हम हमारे बहन को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। प्रभु उसने पत्रस से कहा, तू पत्रस, तू पत्थर, इसके ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा।
पौलुस ने पवित्र आत्मा से लिखा कि जिस तरह से पति पत्नी का सिर है उसी तरह से प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। इसका मतलब कलीसिया देह है, एक कन्या है, और ये जो दीना है कोई और नहीं, उसकी तुलना एक कलीसिया के साथ की जाती है। ये प्रभु यीशु की दुल्हन है, ये प्रभु यीशु की कलीसिया है, उसके ऊपर ये सखेम गलत निगाहें डालता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, उसके साथ वो कुकर्म करता है, साथ में वो ये भी बोल रहा है मैं दीना से बहुत प्रेम करता हूं, मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूं। देखो जिससे प्रेम करता है उसे निचोड़ लिया है पूरी तरह से, उसके साथ उसे कुकर्म किया है। आज कलीसिया को निचोड़ने वाले घुस चुके हैं, आज प्रभु यीशु की दुल्हन को निचोड़ने वाले कलीसिया में गलती से घुस कर आ गए। प्रेरितों के काम में लिखा है उसका चौथा अध्याय और उसका 34 और 35 पद, इनमें कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उन्हें बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाकर और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, हालेलुया। क्या करते थे कलीसिया वाले? कलीसिया वाले अपने पास जो कुछ होता था ना उसको बेच देते थे, बेच कर उस प्रेरित के कदमों के आगे वो सब कुछ आकर रख देते थे। अभी इतना संबंध है, दसमास की बात नहीं है, दसमास अलग से, वो तो परमेश्वर का है, वो बात पूरी अलग से है। यहां कोई कमाई नहीं की इन लोगों ने, इनके पास जो था बेच दिया। समझ लो अगर आज की लैंग्वेज में अगर बात करें, किसी के पास जमीन थी जमीन बेच दी, किसी के पास खेत था खेत बेच दिया, किसी के पास घर था घर बेच दिया, किसी के पास गाड़ी थी गाड़ी बेच दी, किसी के पास सोना था वो बेच दिया, किसी के पास चांदी थी वो बेच दी, जो भी था उन्होंने बेचा और प्रेरितों के कदम में आकर वो सब कुछ रख दिया। ये है कलीसिया वाले, ये है कलीसिया के मेंबर, ये है पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, ये है चुने हुए लोग। आज मुझे दिखाओ ये बात कहां पर दिखाई देती है? दस मास तो है ही परमेश्वर को, तो अलग से बात है, लेकिन साथ साथ में इनके पास जो कुछ था वो लोग बेच बेच कर आकर प्रेरितों के पैर में रख देते थे। और इनमें से कभी किसी ने यह नहीं पूछा आप इसका क्या इस्तेमाल करते हो, किसको दे रहे हो? प्रेत अपनी मर्जी से काम करते थे। आज कितने लोग ऐसे जो अपने आप को ऐसा समझते कि मैं कलीसिया में हूं, मैं परमेश्वर की कलीसिया में हूं, और आज कितने लोग, जो वचन हमने पढ़ा था वहां पर बाइबल में लिखा उसका आठवा पद पढ़ो तो, कोई हमोर ने उन सबसे कहा मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर मतलब कलीसिया पर बहुत लगा है, तो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो, उसकी पत्नी होने के लिए उसे दे दो। देखो सर कौन है कलीसिया का? सर कौन है? तो प्रभु यीशु ये सर बनना चाहता है, कलीसिया को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये दोनों ना कर बात की, फिर से पढ़ो तो ये आठवां पद। हमोर ने उन सबसे कहा, बहुत ध्यान से सुनो, हमोर ने ऐसा कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, तो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। क्या बोला? उसकी पत्नी होने के लिए उसे दे दो। अभी मैं आपसे मांगता हूं मुझे दे दो, इसका मतलब क्या हो? है आपके पास?
जो चीज आपके पास है तो मैं बोल रहा हूँ मुझे दो। इनके कहने का मतलब मुझे दो, आपकी बेटी जो मेरे बेटे के साथ शादी कराओ, मतलब बेटी किसके पास होनी चाहिए, याकूब के पास होनी चाहिए। उसका 26वां पद पढ़ो तो क्या लिखा है, और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। और दीना को शकेम के घर से निकाल कर ले गए, ये लोग ने उसके साथ कुक कर करके दीना को अपने घर में ही रखा था, उसको छोड़ा नहीं था अभी, अभी तो अपने कब्जे में रखा था। और अपने कब्जे में रख कर वो लोग वहां पर जाकर ऐसा बोल रहे कि शादी करवाओ, शादी करने के लिए तेरी बेटी दे दे, लेकिन बेटी को तो लेकर ही नहीं आए, उसके साथ कुकर्म कर तो अभी भी उसको अपने कब्जे में रखा, उसका मालिक बनकर बैठा है, बस अभी रीति रस्म ही बाकी है, बाकी मालिक बनकर तो वैसे ही बैठा, उसको कब्जे में कर ही वो तो यहां पर मांगने के लिए आए। आज कई लोग जो है उन्होंने इसी तरह से प्रभु की कलीसिया को अपनी जागीर बनाकर रखा है अपने घर में, आज भी अपने पास रखा है। नहीं बोलते और किसी कलीसिया में मत जाना प्रार्थना के लिए, और किसी पास्टर को अपने घर में मत आने दो, ये कौन है, ये सखेम है। जितने जितने पास्टर सेवक आपको इतना बोलते हैं यहां पर आते हो और वहां पर मत जाओ, वो सखेम है, वो हमोर है, उसको बोलो तू भाग यहां से, वहां से भाग निकलो, मत जाओ ऐसे लोगों के पास। उन लोगों ने आपके ऊपर कब्जा कर कर रखा है कुकर्म करने के लिए, इस तरह से इन्होंने अपने पास रखा है और बोलते हैं कि दे दो दे दो। आज कई लोग पास्टर लोग इस तरह से एक कलीसिया को, परमेश्वर की मंडली को, परमेश्वर की दुल्हन को इस तरह से कब्जा कर कर बैठे हुए, अपनी जागीर बनाकर बैठे और कलीसिया वाले को यहां से हिलने नहीं देते। अगर मीटिंग करूंगा तो बस मैं ही करूंगा और किसी के पास मीटिंग मत करवाओ, क्या है ये सब, ये हमोर, ये सकेम, ऐसे लोग हैं। लेकिन याकूब के बेटों ने उनको अच्छी तरह से उत्तर दिया और पढ़ो तो उसका 14 और 15 पद, कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे। हाँ, किसी खतना रहित को हम हमारे बहन दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नहीं तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। हाँ, पहले खतना कर लो, देखो अभी देखो ये प्रभु से की आज्ञा थी, खतना करो। लेकिन पौलुस ऐसा कहते हैं पहले कुरिन्थी में, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और उसका 19वां पद पढ़ दो, ना खतना कुछ है, ना खतना रहित होना कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है, बहुत ध्यान समझना। ये पुराने नियम में जो खतना की बात थी, लेकिन प्रभु से कुछ और सिखाना चाहते थे। खतना वो चीज है कि जो एक जाता चमड़ी है जो काम की नहीं है उसको काट कर फेंक दो, इसको बोलते हैं खतना। उसके आपके शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं, वो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं, उसको निकाल कर फेंक दो। लेकिन प्रभु सही में ये कहना चाहते थे कि खतना जो है वो है क्या, और व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसका 6 पद, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। तेरे मन का, तेरे आत्मा का, तेरे हृदय का खतना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सही में खतना किसका होना चाहिए, इस हृदय का, हृदय का खतना करो। हृदय में जो निंदा भरे निकाल कर फेंक दो, हृदय में जो व्यभिचार पड़ा उसको निकाल कर फेंक दो, हृदय में जो क्रोध पड़ा उसको निकाल कर फेंक दो, हृदय में जो गालियां पड़े उसको निकाल कर फेंक दो। ये है खतना, वो खतना खतना नहीं है। प्रभु इस खतने की बात कर रहे थे कि अपने हृदय को साफ करो, ये सारी बातें तुम्हारे दिल से निकलती है, ऐसा मत्ती 15 और 19 में लिखा है कि निंदा, चोरी, हत्या, व्यभिचार, ये सारे ऐसे काम जो है वो आपके दिल से बाहर आते, उसको निकाल कर फेंको, इसका खतना करो, इस दिल का खतना करो। और फिर व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है उसका 10वां अध्याय उसका 16 पद, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हठीले ना बनो और अपने अपने हृदय का
खत ना करो, हृदय में से जो भी बातें उसको निकाल कर फेंक दो। और ध्यान से समझना, इन दो बेटों ने, याकूब के दो बेटों ने, सिमियन और लेवी ने इनसे कह दिया, ये सके हम और उसके बाप से कह दिया कि देखो हम हमारी बेटी दे तो सकते हैं, लेकिन कब? तो बोले अगर आप खतना करवाओ तो। खतना का सही मतलब होता है कि अपने दिल में ऐसी जो भी बात है उसको निकाल कर फेंक दो, अपने कानों से ऐसा जो कुछ ज़्यादा सुनते हो उसको निकाल कर फेंक दो, ऐसा मत सुनो। परमेश्वर अपने हृदय, अपने कानों और अपने आत्मा का खतना चाहते। और ये लोग जो थे सकेम और उसका बाप, वो लोग खतने के लिए वो तैयार हो गए। और वहाँ पर बाइबल में लिखा है जो हमने वचन पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय और उसका 18 पद पढ़ दो। उनकी इस बात पर हमर और उसका पुत्र सकेम प्रसन्न हुए। हमोर और उसका बेटा सकेम वो लोग खुश हो गए। क्या था इसका कारण, क्यों ये लोग खुश हो गए? पढ़ो तो उसका 22 और 23 पद। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने, देखो ये सभी पूरी अपने जमात को, अपने देशवासियों को इकट्ठा किया इन लोगों ने और उनसे बात कर रहे हैं। और बात करते करते ये कर रहे हैं कि देखो हम उनके पास गए थे, वो हमारे साथ व्यवहार रखने के लिए तैयार है, अपनी बेटी देने के लिए तैयार है, हमसे बेटी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक ही कारण है, अगर हम खतना करवाएंगे तो। पढ़ो तो 22 और 23। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। हाँ, अगर हमारा खतना हो जाए तो वो भी हमारी तरह हमारे साथ रहेंगे, अपनी बेटियों को हमें देंगे और हमारे बेटियों को अपने पास रखेंगे। हाँ? क्या उनकी भेड़ बकरिया और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? देखो इनके अंदर कौन सी लालच है, याकूब के पास बहुत बड़ा है, प्रभु की कलीसिया के अंदर तो आशीष ही आशीष है। बोले क्यों ना हम ऐसा करें, बस खतना तो करवाना है लेकिन कितना लूटने को मिलेगा। देखो लोग खतना करवाने के लिए क्यों तैयार, कई लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं मालूम है? एक भाई साहब बपतिस्मा लेकर मेरे पास आ गया, परमेश्वर ने मुझे बता दिया इसका बपतिस्मा हो चुका है, उसको कुछ बीमारी थी कई सालों से। मैं बोला भाई साहब आपने बपतिस्मा लिया? बोले हाँ। वो भी इसलिए नहीं कि आपकी बीमारी दूर हो जाए? बोले हाँ। तो बाइबल में कहाँ पर लिखा है बीमारी दूर करने के लिए बपतिस्मा? तो लेकिन क्यों दे दिया उसको, ले लो इसके पास जो भी मिलता है, अभी देख बपतिस्मा होगा, अब 10 मास देना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा तो उसे। तो लोग ऐसा करते लूटने के लिए किसी भी तरह से बपतिस्मा, चलो कोई बात नहीं दे दो बपतिस्मा। आज सच्चा बपतिस्मा पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं पर हो रहा है, ज़्यादातर सभी जगह पर ऐसे ही बपतिस्मा, लोग बपतिस्मा के बाद भी उनको नहीं पता होता कि मेरा बपतिस्मा हुआ क्यों, बपतिस्मा के पीछे कारण क्या था, क्यों मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। मेरा दावा आप किसी भी बपतिस्मा लेने वाले से जाकर पूछ लेना, जिन्होंने यहाँ पर नहीं लिया उनको जाकर पूछ लेना कि आपने बपतिस्मा लिया तो क्यों लिया, बाइबल से मुझे बताओ क्यों लेने की ज़रूरत है, क्या कारण होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, नहीं मालूम उनको, बस उनको ऐसे ही बपतिस्मा जो है वो लिया जाता है। आई बोले खतना ही करवाना ना कोई बात नहीं, लेकिन बाद में तो लूटने को मिलेगा ना। तो बोले देखो तो इसी कारण से वो लोग तैयार हैं कि हम अपना खतना करवाए, ये बाप और बेटे को कर्म कर कर बैठे और अभी भी प्रभु की कलीसिया को वो लोग लूटना चाहते। बोले उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरी, हम लूट लेंगे, बस यही करना है तो कर लो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हम उनको लूट लेंगे। हम कलीसिया है, कलीसिया का मतलब होता है कि कलीसिया का सर प्रभु यीशु, तो कलीसिया मतलब बाकी का शरीर। अभी समझो कि आपको कहीं से ठोकर लग गई और आपके पैरों में आपके अंगूठे के अंदर खून निकलने लगा, तो दोनों हाथ ताली बजाएंगे, बहुत मजा आ गया, पैर बहुत चलता था ना करता है ऐसा हाथ, वो तो दुखियों को पकड़ लेता है। अंदर अंदर एक मन होते, एक के दुख से दूसरा दुखी होता है, एक के खुशी से खुश होता है, लेकिन जब कोई किसी की निंदा करता है तो समझ लेना वो प्रभु श्री कलीसिया का मेंबर नहीं है। अगर वो किसी की निंदा करता है तो समझ लेना कि उसमें व्यभिचार है, वो तो कलीसिया के साथ कुकर्म कर रहा है, वो तो धीरे से उस कैम की तरह अंदर घुस कर आ चुका है और कलीसिया से उसने कुकर्म कर लिया है।
उसे कोई प्रेम नहीं है। बोलता है कि मेरे बेटे को तेरी बेटी से प्रेम है। प्रेम करने वाले ऐसा नहीं करते। ये प्रेम नहीं, उसको निचोड़ लिया है तुम लोगों ने। ये बाहरी एक दिखावा है, लेकिन हमारे परमेश्वर बहुत ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर सब कुछ जानते हैं अंदर से। आप बाहरी दिखावा इंसान कितना भी कर ले, लेकिन इंसान जो है, परमेश्वर जो है, वो इंसान को अंदर से जानते। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है कि परमेश्वर की निगाह आसमान से इस धरती पर सभी मनुष्य के हृदय पर है, और जिसका हृदय उनको संपूर्ण मालूम पड़ता है, उनको सहायता करते। हमारे परमेश्वर सभी को अंदर से देखते। एक बार दादाजी अपने पोते से बात कर रहे थे कि बेटा, जब मैं तो 100 रुपये लेकर निकलता था ना, तो पूरी बोरी भरकर सामान लेकर आता था। पोता बोलता है कि दादाजी, अब ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो CCTV लग गए। दादाजी ये कहना चाह रहे, हमारे ज़माने में इतना सस्ता था कि 100 में पूरी बोरी पर करा जाती थी। बेटों को ऐसा लगा दादाजी पहले से चोरी करता है। तो बोले बेटा, ये CCTV क्या है? बोले पापा, ये कैमरे होते, अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहना, तो कैमरा देख लेता है आपकी गाड़ी को भी, देख लिया तो इसके नंबर को स्कैन कर लेता है, और आपके घर में मेमो आ जाएगा, और आपको 100, 200, 500 जो भरना पड़ेगा। बोले अच्छा, इसको CCTV कैमरा बोलते? बोले हाँ। बोले तो हमारे गांव में तो 50 साल पहले थे। बोले 50 साल पहले? तो बोले हाँ, एक बार तो मैं बैठा था, मेरे बाजू में मगन भाई बैठे थे, और वहाँ से श्याम चला। तो बोले आज शनिवार है ना? तो आपको कैसे पता चला? ये शनिवार को हर बार बिना चप्पल निकलता है, उसको सब मालूम था। कोई भी बस से उतरता था उसको पता है कौन इसके घर जाना है। अच्छा, उनकी लड़की को देखने के लिए आए। हमारे पास CCTV कैमरा 50 साल पहले, आपका CCTV कैमरा ये बता सकता है कौन किसके घर में शादी के लिए गया, लड़की देखने के लिए? बोले नहीं, तो हमारे वहाँ तो वो CCTV कैमरा पड़ा था। अभी वो लोग इतना जान सकते, तो मेरा परमेश्वर क्या नहीं जान सकते? वो अंदर से सब कुछ जानते। उनके आगे किसी भी तरह का दिखावा वो काम नहीं कर सकता। हमारे प्रभु से वो सब कुछ जानते थे। और उसके बाद वहाँ पर वचन में लिखा है, जो वचन हमने पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय, उसका 24 और 25 पद पढ़ो तो। इसीलिए जितने उस नगर और उसके नगर के फाटक से निकलते थे, उन सबों ने हमर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी, और हर एक पुरुष का खतना किया गया। देखो, सभी का खतना हो गया, मतलब बाहरी दिखावा था ये। जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि सीमन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, याकूब के दो पुत्र है सिमियन और लेवी, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। देखो, याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। एक थी लड़की दीना। दीना के कितने भाई थे? दीना के कितने भाई थे? 12 भाई थे। उसमें से दो ही आए, एक था सिमियन और दूसरा था लेवी। ये दोनों आए, ये आइडिया दोनों ही बताई थी। बोले खतना करो तो हम शादी करवाएंगे। जैसे ही खतना हो गया, 3 दिन हो गए, ये लोग पीड़ित थे, अब ये लोग हिल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तलवार हाथ में नहीं उठा सकते, तब सिमियन और लेवी गए, पूरे शहरवासी में जितने पुरुष से खत्म कर दिए, तलवार की धार से इन सभी का नाश कर दिया। कौन है सिमियन और कौन है ये लेवी? जब वो पैदा हुए थे तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और उसका 33 और 34 पद, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। गर्भवती हुई, हाँ, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने यह कहा, कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, हाँ, इसलिए उसने उसका नाम सिमियन रखा, हालेलुया। क्यों सिमियन रखा? फिर से पढ़ो।
फिर वह गर्भवती हुई हाँ। और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने यह कहा, देखो लिया क्या बोल रही है, इसके शब्दों को ध्यान से सुनो हुँ? कि ये सुन के, ये सुन के मतलब परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। शिम्योन शब्द का मतलब होता है परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया। शिम्योन का मतलब होता है परमेश्वर सुना है। फिर आगे पढ़ो कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उनका उसका नाम शिम्योन रखा। हाँ, फिर वह गर्भवती हुई, फिर से गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। और उसने कहा, और उसने ऐसा कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, अब की बार मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए, उससे मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया, उसका नाम लेवी रखा गया। लेहा उसके पति के लिए प्रिय नहीं थी। याकूब रेचल के साथ, राहेल के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके पिता ने, ये बड़ी थी इसलिए इसकी शादी करवा दी, तो प्रिय नहीं थी। तो इसने प्रार्थना की और बोलते हैं परमेश्वर ने सुन लिया, तो शिम्योन दिया। अब मेरा पति मेरे साथ बनकर रहेगा, मतलब पति और पत्नी अब साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ बंधकर रहेंगे। मुझे परमेश्वर ने बांधा है। लेवी का मतलब होता है बांधना। हालेलुया। लेवी का मतलब होता है बांधना। परमेश्वर सुनकर, हमारे सुनकर, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाते, हमें अपनी कलीसिया में बांधते हैं। हालेलुया। इस तरह से हम कलीसिया में जुड़ते हैं। ये दोनों भाई जो सुनते हैं और बांधते हैं, दोनों गए और बोले कलीसिया में ऐसे लोग, दिखावा करने वाले लोग, बाहरी खतना करने वाले लोग, कोई नहीं चाहे मारो इसको, ऐसे लोग कलीसिया में नहीं बांधे जाएंगे। हालेलुया। सकेम के जैसे और उसके बाप हमोर के जैसे, कोई भी जो है वो जो कलीसिया के साथ कुकर्म करता है, जो कलीसिया को लूटना चाहता है, जो कलीसिया को बर्बाद करना चाहता है, ऐसा कोई भी परमेश्वर की कलीसिया में नहीं आ सकता। और अगर आ गया, उसको परमेश्वर काट कर उसको वहाँ से उसे फेंक देंगे और परमेश्वर अपनी कलीसिया खुद बनाएंगे। तो परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे बाहरी खतना वाले जो लोग हैं, वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और गलती से आ गए तो परमेश्वर उनको काट कर वहाँ से फेंक देंगे। और फिर आगे लिखा है उसका 27-28 पद पढ़ो तो, उत्पत्ति उसका 34 पद है, 27-28-29। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसीलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। किसने लूट लिया? नगर को नहीं, किसने लूट लिया? याकूब के पुत्रों ने। याकूब के पुत्र अभी बारह के बारह आए, पहले दो थे, अभी बारह के बारह आए। और परमेश्वर की कलीसिया आशीषित होंगी। कलीसिया को जो लोग लूटने के लिए आएंगे वो लूट नहीं पाएंगे, परमेश्वर उसको पका देंगे और परमेश्वर उनको लूट लेंगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया को इस तरह से बांध कर उठाएंगे। अपने आप को कभी भी होशियार मत समझो, नहीं तो कभी भी परमेश्वर अपनी कलीसिया से, जो ऐसे लोग हैं जो कलंक लगाते, ऐसे लोग हैं जो दाग लगाते, ऐसे लोग जो झुर्री लगाते, ऐसे लोग जो इस कलीसिया को लूटना चाहते, जबकि कलीसिया में लोग बेच बेच कर लोग देते थे, लेकिन जो लूटने के लिए आते सबको परमेश्वर निकाल कर फेंक देंगे। और इसलिए ऐसा कुछ हो, उससे पहले अपने आप को होशियार मत समझो कि मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं इसको लूट लूँगा, मैं मेरा इतना बन जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को बाहर पका देंगे, मार कर निकाल देंगे। अपने आप को होशियार मत समझो। एक बार किसके घर में मेहमान चले गए और उनका जो जिसके घर में मेहमान आए थे, उनका बेटा भी बाहर था, जवान था, वो भी जैसे घर में आया, उसके बाप ने बोला कि बेटा मैं थोड़ा खेत देख कर आता हूँ, मेहमान के लिए कुछ लेकर आओ। और माल में वो ऑटो लेकर आया। पिता का कहने का मतलब, उसका आदर सत्कार करो, कुछ ठंडा बनना पिलाओ, कुछ लेकर आओ, उसके चाय नाश्ता, ये ऑटो लेकर आए। बोले जाओ। बोले मैं मेरे बाप का फायदा करता हूँ। सही में हुआ ऐसा था कि वो लोग इसको देखने के लिए आए थे अपनी लड़की के लिए। ये बात इतनी फैल गई, बूढ़ा हो गया तब तक किसी ने नहीं दी।
जिस तरह से होशियार समझते ना अपने आप को, दिशा में घुस नहीं पाएंगे, परमेश्वर उसको निकाल कर फेंक देंगे अपनी होशियारी से। कभी भी कोई भी इंसान जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो दीना वो कलीसिया है। और इसलिए कलीसिया के साथ कुकर्म ना करो, अगर कलीसिया में बना रहना चाहते हो कलीसिया को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। लेकिन उस शकेम की तरह, हेमोर की तरह रहोगे, उस हुमनायोस और सिकंदर की तरह रहोगे, उस दिमास की तरह रहोगे, एक मन नहीं रहोगे, एक मत नहीं रहोगे, परमेश्वर से वो कभी भी मार कर निकाल देंगे। अपने होशियारी से हम बच नहीं सकते, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर की कलीसिया जो बिना दाग और जरूरी नहीं है, जो निष्कलंक है, उसमें ऐसे ही बने रहो, तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। आओ हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और अपने मस्तकों को परमेश्वर का आगे झुकाए रखें। और यह वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि कहीं मैं उस शकेम की तरह कलीसिया को कब्जे में कर तो नहीं बैठा, उसका मालिक तो बन कर रहे बैठा, कि जो आज्ञा करता हूँ और किसी के पास ना जाओ, किसी को सीखने के लिए ना बुलाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना कारोबार छोड़कर कलीसिया में कारोबार करने के लिए आ गए और अभी तेल बेचने लगे, अभी पानी बेचने लगे, पेन बेचने लगे, कपड़ा बेचने लगे, प्रार्थनाओं को बेचने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बाहर निकाल देते। शिमयोन लेवी ने उनको खत्म कर दिया। प्रभु उसने कहा मेरी कलीसिया उनकी दुल्हन है, वो अपने दुल्हन को दाग नहीं लगने देंगे, उसमें जुर्री नहीं आने देंगे। जो कोई ऐसा प्रयत्न करेगा उसको बाहर निकाल कर फेंक देंगे परमेश्वर। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं मेरे में वो बात तो नहीं, कहीं मैं कलीसिया को लूटने वाला तो नहीं। सही से कलीसिया में जुड़ो ताकि स्वर्ग में जा सको। अपने ज्ञान को, अपने अकल को एक और फेंक दो और परमेश्वर के कानून के अनुसार चलो, तभी हम स्वर्ग राज में जा पाएंगे। यह वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।